आज के इस वीडियो में बताएंगे कि पेंशन का ई केवाईसी केवाईसी किस तरह आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में पेंशन का केवाईसी किस तरह कर सकते हैं और पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो में ये केवाईसी करके लाइव आपको और सर्टिफिकेट प्रिंट करके भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। पेंशन दो तरह की पेंशन होते हैं। सबसे पहला पेंशन जो होता है वो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह होते हैं और उनके केवाईसी जो थे वो अलग मेथड से अलग तरीका से होता है। और दूसरा जो पेंशन है वह पेंशन जो भी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं उसको सरकार पेंशन देती है जब तक वो जीवित रहते हैं। तो ये केवाईसी क्यों करना पड़ता है? केवाईसी इसलिए करना पड़ता है कि सरकार को आपको बताना होगा कि आप अभी तक जीवित हैं। जब भी आप अपना केवाईसी नहीं करेंगे सरकार को लगेगा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है, वो आपका पेंशन बंद कर देते हैं। इसलिए आपको सरकार को ये बताना है कि आप अभी तक जीवित हैं, तो इसके लिए आपको केवाईसी करना होगा। केवाईसी आपको फिंगरप्रिंट से अंगूठे की मदद से करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना सीएससी का आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं बिना सीएससी का, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, jeevanpraman.gov.in। इस वेबसाइट पर आएंगे, जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद गेट ए सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ए सर्टिफिकेट पर क्लिक करें कुछ इस तरह आ जाएगा। तो अगर पीसी में आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। अगर मोबाइल से आप केवाईसी करना चाहते हैं तो मोबाइल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। चलिए मैं पीसी में करूँगा, तो पीसी पर क्लिक करेंगे। जैसे पीसी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक अपना ईमेल आईडी देंगे जिस पर ओटीपी जाएगा और इस कैप्चर इस बॉक्स में इंटर करेंगे। उसके बाद आई एग्री टू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये ओटीपी भेज दिया गया हमारे ईमेल आईडी पे। चलिए ईमेल पे देख लेते ओटीपी। तो चलिए यहाँ पे ईमेल पे देख सकते हैं हमें एक ओटीपी मिल चुका है। इस ओटीपी को यहाँ पे कॉपी करेंगे और इस ओटीपी वाले बॉक्स में इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से डाउनलोड विंडो ओएस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल दोनों के मिल रहे हैं, मोबाइल का और सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड फॉर विंडो ओएस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको बताया डाउनलोड लिंक हैज बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी। इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड का जो लिंक है वो हमारे ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। तो चलिए ईमेल आईडी को चेक कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड लिंक का एक मेल आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसे डाउनलोड होने देते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हुआ, इसको ओपन करेंगे और ये देख सकते हैं ये एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल करेंगे, स्ट्रेक यहाँ पर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ये देख सकते हैं, उसके बाद ये फिर से ओपन हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये एप्लीकेशन, इसको हमें इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे और इसको हम रन कर लेते हैं। रन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे फिर से और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ये सिस्टम हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। इस सॉफ्टवेयर को फिनिश करेंगे, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक खुद इस तरह ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होगा कुछ इस तरह, या फर्स्ट टाइम जब भी ओपन करेंगे तब आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटर, मतलब जो भी VLE है, जो भी दुकानदार है, जो भी केवाईसी कर रहे हैं उसका का, जिसका करना है उसका नहीं, जो कर रहे हैं हमारे दुकानदार कर रहे हैं, VLE कर रहे हैं, पहले उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। तो उनका यहाँ पे ऑपरेटर का वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे उनका आधार नंबर देंगे, ऑपरेटर का आधार नंबर देंगे। आधार नंबर देने के बाद मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देने के बाद एक ईमेल आईडी देंगे, ठीक है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी गया, उस ओटीपी को यहाँ फिलअप करेंगे। ओटीपी देने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑपरेटर का नाम देंगे, दुकानदार का नाम, VLE का नाम, आई एग्री करेंगे, स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे। जैसे स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे आपके मशीन पे लाइट जलेगी, मशीन पे VLE अपना फिंगर लगेंगे जिसका आधार नंबर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर सक्सेसफुली हो चुका है, उसको ओके करेंगे। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा।
क्लोज होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंशन जिसको पेंशन मिलता है, जिसका केवाईसी करना चाहते हैं पेंशनर का, उसका आपको अब करना होगा। भेलिए कर अब इसे यहाँ पे क्लोज भी कर सकते, क्लोज करके जब ओपन करेंगे तो फर्स्ट उसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। ऑपरेटर का आप नहीं मिलेगा, आप जिसका पेंशन करेंगे उसकी डिटेल मांगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका पेंशन करना चाहते हैं उसकी डिटेल देंगे, उसके आधार नंबर देंगे और उसका मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद आपको जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपकी ईमेल और मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे पेंशनर का नाम देना है, जिसका आप केवाईसी करना चाहते हैं पेंशनर का, उसका फुल नेम आपको पहले वाले बॉक्स में इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पेंशन ऑफ टाइप में आप क्या करते हैं, सर्विस थे तो यहाँ पे सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, उसका ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको देना होगा वो जॉब जो कर रहे थे वो किसके अंदर आ रहा था, ठीक है, किस बोर्ड के अंदर उसका जॉब आ रहा है। जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनकी जॉब थी, मतलब उसका जो जॉब था वो किस कौन सी सरकार के अंदर आती थी, बिहार सरकार के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर, जिस सरकार के अंदर आती तो वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे बिहार सरकार बिहार स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, अगर किसी अदर बोर्ड के अंदर उसकी जॉब आती थी तो वो बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो सर्विस था जिसका मैं पेंशन कर रहा हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो बिहार स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट बिहार को सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद एजेंसी को सिलेक्ट करेंगे, एजेंसी में यहाँ को बैंक को हम सिलेक्ट कर ले, बैंक के द्वारा हम केवाईसी करेंगे, बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ फिर से एजेंसी आता है, एजेंसी में जिस बैंक का अकाउंट उस बैंक को ही सिलेक्ट कर लेंगे, अच्छा रहेगा ताकि केवाईसी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो उस जिस बैंक में अकाउंट जिसमें पेंशन आता उसी को सिलेक्ट कर चुके। उसके बाद यहाँ पीपीओ नंबर देंगे, पेंशन धारी को एक पीपीओ नंबर मिलता है, वो पीपीओ नंबर देंगे, अकाउंट नंबर देंगे पेंशन जिसमें आता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम दो ऑप्शन मिलेगा, दोनों में आपको नो करना, अगर किसी में अगर आप यस करते हैं तो आपका पेंशन हो सकता है, रुक सकता है, इसलिए दोनों में नो करेंगे। मतलब कि कह रहा है इसके बाद ये जो नौकरी से रिटायर हुए इस नौकरी के बाद कोई भी फिर से नौकरी लिए किसी भी विभाग में तो इसमें भी नो करेंगे, अगर वो फिर से शादी किए होंगे मैरिज किए होंगे तो उसमें भी नो करेंगे। अगर दोनों में या किसी एक में यस करते हैं तो आपका पेंशन यहाँ पे होल्ड लग सकता है, तो यहाँ पे नो करेंगे दोनों में। उसके बाद नीचे में आई एग्री को सेलेक्ट करेंगे, स्कैन फिंगर पे क्लिक करेंगे, मशीन पे लाइट जलेगी, जैसे ही मशीन पे लाइट जलेगी फिंगर दीजिएगा तो वो फिंगर अगर मैच कर देता आपके आधार कार्ड से तो उनका फोटो और यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे सबमिटिंग हो चुका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए, उनका फोटो और परमान आईडी पीपीओ नंबर और यहाँ पे नाम और डेट वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी कि मेरा ये पेंशन केवाईसी हो चुका है। अब इस पे प्रिंट पे क्लिक करके डायरेक्ट प्रिंट करके कस्टमर को यहाँ पे हम दे सकते हैं उनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट।